नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की नई मोबाइल बैंकिंग ऐप जिसका नाम है पीएनबी वन, उसके बारे में। ये पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग ऐप का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएनबी वन ऐप को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसे एक्टिवेट कैसे करते हैं, और इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि पीएनबी वन ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी इसमें ट्रांजेक्शन करनी हो तो कैसे करते हैं, भले ही वो अकाउंट जिसमें आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है वो बैंक अकाउंट पीएनबी में हो या किसी अदर बैंक में हो, तो उसमें पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ये हम इसमें समझेंगे एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में जब खुल के आती है तो इस तरह से आप लोग इस पर देख पा रहे हैं, यहाँ से लोगो दिखाएगा। इसको ओपन जब करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले लॉगिन पासवर्ड जो आपने सेट किया था, जो आपने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उसका, उस वीडियो में आप देख करके लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट पिन आपने जो सेट किया है वो इसमें डालना है। तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पर पिन नंबर लगा देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें लॉगिन हो चुका है। अब आप ऊपर इसमें ऊपर देख रहे होंगे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और ड्राफ्ट डिपॉजिट वगैरह सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं जिसे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में देखने वाले हैं कि किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है पीएनबी के ही किसी दूसरे अकाउंट का जिसमें हम पैसा ट्रांसफ़र करने वाले, और उसमें आपको पार्टी ऐड करनी है। माई पेज ये सेकेंड ऑप्शन जो आ रहा है इसमें आप जा करके टैप करके उस पार्टी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब राइट साइड में नीचे देख रहे हैं प्लस का आइकन आ रहा है, यहाँ पे आप जब टैप करेंगे तो ये दो ऑप्शन दिखाएगा, विद इन और अदर। विद इन में आप पंजाब नेशनल के किसी बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, यहाँ पर जब नंबर लगाएंगे 16 डिजिट का तो वो उसमें आपको नाम शो करेगा, आप कंफर्म करेंगे उसको, ओके कर देंगे और वो पे ही ऐड हो जाएगा। यदि वो बैंक अकाउंट जिसमें आपको पैसा भेजना है और उसको आप बार बार आपको भेजना पड़ रहा है वो किसी अदर बैंक में है, तो आप ये सेकेंड ऑप्शन है अदर, यहाँ पर टैप करेंगे। जैसे आप टैप करेंगे तो उसका नाम, अकाउंट नंबर कंफर्म, दो बार को अकाउंट नंबर लिखना है और उसका 11 डिजिट का आईएफएससी कोड उस बैंक का लिखना है, और एड्रेस, और उसमें आप अमाउंट भी ये लिख सकते हैं कि कितना आपको पैसा बार बार ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे ये जो लिमिट ऑप्शन है, लिमिट अकाउंट, यहाँ पे ध्यान दें अमाउंट आपको एक बार इसमें डाल देना है, जैसे 5,000, 10,000, आप जो अमाउंट डालेंगे उससे ज़्यादा आपको ट्रांसफ़र नहीं करने देगा, वहाँ तक लिमिट रहेगी। और नीचे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितनी बार ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितने ट्रांजेक्शन में। तो एक बार पार्टी ऐड करने के बाद में यहाँ पे शो करेगा, जैसे आप अभी देख पा रहे हैं इस तरह से शो करेगा। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे फर्स्ट फर्स्ट वाला, ये पीएनबी का ही अकाउंट है, इसमें हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें आपको सारी डिटेल दिखाएगा, सबसे पहले ऑप्शन है ट्रांसफ़र मनी का, इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी पीएनबी बैंक के अंदर ही अकाउंट है तो विद इन ऑप्शन इस ऑलरेडी सेलेक्ट है, यदि किसी अदर में होता तो ये तीसरा ऑप्शन जो है थर्ड, इसको जब टैप करते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। जिस अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखा रहा है, इस नाम से अकाउंट है मेरा, और नीचे अकाउंट दिखा रहा है, नीचे अवेलेबल बैलेंस भी इसमें शो कर रहा है। अगला जो अकाउंट है जिसमें हमें पैसा भेजना है ये यहाँ पर हमें शो कर रहा है, हम कन्फर्म कर सकते हैं, इसका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपको सिर्फ सिंपल इसमें अमाउंट डालना है, जैसे एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये डाला और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देना है, ओके करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करना है और पासवर्ड आपको लगाना है, आपका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है वो इसमें आपको लगाना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म में क्लिक कर देंगे, ये ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे और पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों, मैंने पासवर्ड लगा दिया है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो इसमें डाल दिया है। अब कन्फर्म में क्लिक करेंगे, ये ट्रांसफ़र हो चुका है, इसमें ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट हो गया और पैसा भी डेबिट हो गया है। तो इस तरीके से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें बस आपको करना ये है कि पहले पार्टी ऐड करनी है और पार्टी की लिमिट सेट करनी है कि 5,000, 10,000, 20,000 जो भी हम अमाउंट डालेंगे। ये देखिए मैसेज आ चुका है ऊपर, SMS भी आ गया कि डेबिट अकाउंट डेबिट हो गया है। तो दोस्तों, इतना ईजीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें यदि कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे पर कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। यदि ज़्यादा कमेंट रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं नया वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जिनके पीएनबी अकाउंट है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।